ब्रिज मोहन योग केंद्र में आप सबका स्वागत करते हुए आज मैं आपको पेट के बल लेट करके और अपने घुटना के अपने जंघाओं के मांसपेशियों को सबल बनाने के लिए और घुटना के अंदर गैपिंग की समस्या आ जाए और घुटना में भी समस्या आ जाए और स्याटिका की भी समस्या आने लगे, जंघाओं में भी दर्द थरथराहट आने लगे, तो आपको करना क्या है? बस एक मैं अभ्यास आज बता रहा हूँ आपको। अपने चौकी पर, पलंग पर, तख्त पर लेट जाना है, जहाँ आप शयन करते हैं वहाँ भी कर सकते हैं। उल्टा लेट जाएंगे यानी पेट के बल, और लेटने के बाद आपको करना क्या है कि इस प्रकार का एक थोड़ा सा हार्ड, ये मैं देख रहा हूँ रोलर है, ठीक घुटना के ऊपर रखना है पिछले हिस्से में, और दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए पिंडली से इसको प्रेस करना है। बहुत सुंदर अभ्यास, और हल्का सा दबाएंगे और फिर नीचे ले जाएंगे। सांस को भरते हुए पैर को नीचे की तरफ और सांसों को छोड़ते हुए पैर को ऊपर की तरफ। एकदम इतना जबरदस्त अभ्यास है, यदि आप घुटना दर्द से परेशान हैं, घुटने में कटकट की आवाज़ आने लगी और घुटने में गैपिंग हो गया है, साइटिका तंग कर रहा है और जंघाओं में भी आपके थरथराहट सुनापन हो रहा है, तो इस क्रिया को आप अपने बिस्तर पर लेट करके, रेल में यात्रा कर रहे हैं तो रेल के बर्थ पर भी सो करके इस अभ्यास को 5 मिनट कम से कम आपको करना है। 1-2 सेकेंड में एक बार होता है तो 5 मिनट कम से कम आप करें और सांसों के साथ करें, और ऊपर ला करके थोड़ा सा प्रेस करना है, दबाना है, और बार बार इसे इस क्रिया को दोहराएंगे। मैं इसको बहुत नज़दीक से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति इस क्रिया को समझ सके, और देश और दुनिया में कहीं पर भी कोई व्यक्ति को इस प्रकार की समस्या आन पड़ी है तो आप बस इस अभ्यास को आज ही अभी शुरू कर दीजिए और अपने को इन समस्याओं से दूर करने की जो व्यवस्था है उसमें आप संलग्न हो जाइए। अभी 2 मिनट 40 सेकेंड हो रहे हैं और आपको लगभग इतना ही देर आपको करना है। बस आँख मूंद लीजिए, बंद कर लीजिए, और तप और जप, कहा गया है कि प्राणायाम जैसा कोई तप नहीं है और ईश्वर नाम जैसा कोई जप नहीं है, तो आपको पीठ के बल लेट करके तप और जप, यानी इसमें जो सांस की गतिविधियाँ हो रही हैं तो ये हमारे लिए तप के समान है, यानी प्राणायाम हो रहा है, प्राणों का हम अभ्यास कर रहे हैं, प्राणों के शरण में आ रहे हैं, और लगातार करते जाइए। और इस अभ्यास को करने के दौरान हमें अपने इष्ट देव का, अपने सबसे प्रिय ईश्वर नाम का जप करना है। ओम ओम का जप कर सकते हैं, कृष्ण कृष्ण का जप कर सकते हैं, राधा राधा का जप कर सकते हैं, शंकर जी का नाम लेकर के, काली दुर्गा मैया सबका, यानी किसी एक का नाम लेना है क्योंकि सब तो मूल में एक ही हैं। इसलिए हम नाम जप पर बार बार जोर दे रहे हैं और इसका मैं रिजल्ट देख रहा हूँ, इसका मैं जो प्रभाव देख रहा हूँ समस्याओं को दूर करने में, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही विहंगम है। अभ्यास करने के दौरान आपका 1 सेकेंड के लिए भी मन इधर उधर ना जाए। आप अपने घर, अपने बिजनेस, व्यवसाय, नौकरी चाकरी कहीं पर मत मन को ले जाइए, और मन को ईश्वर पर टिका करके इस अभ्यास को कंटिन्यू करते रहिए, निरंतर करते रहिए, तो यह प्रयोग आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। इसलिए 1 मिनट और बचा हुआ है, इस अभ्यास को लगातार करते रहे, प्रेस देना है आपको, दबाना है ऊपर की तरफ, जितना धीरे धीरे प्रेस को बढ़ाएंगे, दबाव करने की व्यवस्था को बढ़ाते जाएंगे। और यहाँ देखिए, एक सबसे बड़ा टेक्निक है कि दोनों पैर सटे हुए हों और ऊपर ले जा करके और अपना जो एंगड़ी है पीठ की तरफ मोड़ना है, पीछे की तरफ। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत अभ्यास, एकदम आराम आराम से इस क्रिया को, एक अभ्यास और
कई बीमारी को, मैं बीमारी का एक बार फिर नाम लेना चाह रहा हूँ, घुटना दर्द हो, घुटना के निचले हिस्से में दर्द हो जाए, क्योंकि घुटना के ऊपर तो बहुत लोगों को दर्द होता है लेकिन नीचे का दर्द हो जाता है, और ठीक इस एरिया में जहाँ रोल मैं रखा हूँ उसके नीचे गुच्छा जैसा हो जाता है, नसें आपस में बंध जाती हैं, और वहाँ पर क्या होता है कि अंदर का लिक्विड कभी कभी लीकेज करके वहाँ पर स्टोर हो जाता है, वो भी बहुत खतरनाक हो जाता है। इसलिए इस क्रिया को करेंगे तो आपका घुटना 100 साल मजबूत रहेगा, आपको साइटिका की बीमारी कभी नहीं होगी, आपके जांग में पैर में किसी प्रकार की थरथराहट, सुन्नापन, भारीपन आ रहा है वो भी आपको नहीं होने वाला है, और गैपिंग की समस्या तो देश में लगभग 90% लोगों को हुआ है या होने वाला है या हो रहा है। यदि गैपिंग की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो बस अपने जगह पर लेट जाइए, उस क्रिया की शुरुआत कर दीजिए, और आपका सब समस्या एक ही अभ्यास से दूर होने वाला है। तो आइए एक बार ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें, और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं, और क्योंकि आजकल बीमारी हो जाने पर बीमारियां इतनी खतरनाक हैं और इलाज भी इतना महंगा हो गया है कि अच्छे अच्छे लोगों को इलाज पैसे के अभाव में नहीं हो रहा है। इसलिए भैया ये आप योग से जुड़िए, प्राणायाम से जुड़िए, और योग थेरेपी का आनंद लेकर के, लाभ लेकर के आप अपने बीमारी को बचा सकते हैं। हम बार बार हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं लोगों से कि भैया यह बहुत अद्भुत इलाज है, और यह हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का खोज है, रिसर्च है, उसको बस केवल धारण करना है और अपनाना है, और इस क्रिया को निरंतर सांसों के साथ करते जाना है। तो ईश्वर आपको निरोगी बनाए, ईश्वर आपको सुखी रखे, ईश्वर आपको समृद्ध बना के रखे, और तब तक के लिए हम आपसे विदा ले रहे हैं, और अगले एपिसोड में जरूर आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई समस्या के समाधान के साथ। तब तक आप अपने पूरे परिवार के साथ सुखी रहिए और आनंदपूर्वक समय को व्यतीत करते रहें। जय हिंद, जय भारत।